अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अच्छा पाना भी। उम्मीद है सब दोस्त खैर होंगे। लें दोस्तों, कबूतर वगैरह खैर आज बाहर छोड़े हैं और उड़ाए नहीं हैं। आज हमने करना ये है कि न्यू जो बच्चे थे हमारे पास कुछ दो चार, इनके हमने पार वगैरह खोलने थे। मैंने कहा चलें यार दोस्तों के साथ डे बाय डे ट्रेनिंग शेयर करें। और काफ़ी अच्छा जो है ना आज मौसम है, धूप सही क्लियर निकली हुई है। इर्द गिर्द देख लें आप, फिलहाल कबूतर वगैरह कोई भी नहीं उड़ा हमारे एरिया में। कल बाजियाँ थी दोस्तों, संडे का दिन था और कल के बाद जो है आज तकरीबन लोगों ने छत्ते छत्ते बांध ही रखी हैं। थके हुए हैं लोग, कल के बाद यहाँ जिनकी थी और बाकी जो शिकारी हज़रात छतों पर ड्यूटियाँ दे रहे थे पकड़ने के लिए, वो भी इस टाइम सन्नाटे में बैठे हुए हैं। तो खैर दोस्तों, बच्चे वगैरह अब नए छोड़ रहे हैं हम, तो नए कबूतर पक्के करने के लिए मैंने कहा यार चलें भाई बच्चे शच्चे छोड़ें कबूतरों को कि जाएँ नए कबूतर पक्के करें। पिछले दिनों काफ़ी कबूतर चले गए हैं तो बच्चों की हमने ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट की हुई थी। एक बच्चा हमारे पास गिज गया, ये बैठा हुआ कल परा, तो ये कल उठ गया था माशाल्लाह से, 2 घंटे फिरता रहा बच्चा ये वाला। पहले भी एक दफ़ा ये 2.5 घंटे बाद आया था, कल ये 2 घंटे फिरता रहा। खैर घर आ गया था और आज हम एक दो बच्चों को और रंग लगाएंगे, खोलेंगे, फिर एक दो रह जाएंगे उन्हें भी 1-2 दिन के बाद खोल देंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे, इनकी ट्रेनिंग आपके साथ शेयर करते हैं, इन्हें पक्का कैसे करना है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो खैर मैं बच्चा पकड़ के लाता हूँ फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये बच्चा डब वाला पहले बार खोल लो, तो ये थोड़ा ना लूज़ हो गया बता, तो हमने इसको लूज़ ही रहने दिया था ताकि ना खुडे के ऊपर नीचे उतारे। ये देखें ऊपर बैठता था, फ्रेम पे उतर आता था। ये शौक भी करवाते हैं आपको भी बच्चे का, पहले खैर ज़रा इसके पर वगैरह खोलें, इसको रंग लगाते हैं फिर इसको बाहर छोड़ देंगे। खोल लो पहले पर पूरे, बड़ा अच्छा दोस्तों बच्चा। अगर गिज गया ना बच्चे, अच्छे ही छोड़े हैं मैं इस दफ़ा भी, ताकि जो भी लग गया तो कोई एंटीक चीज़ ही बनेगा। दिखाओ ज़रा इसकी आँख छाँख शौक कराओ, राके शराके इसके पुराने ही हैं। पकड़ो लेफ्ट हैंड पे, ये देखें दोस्तों ये बच्चा डब वाला। अभी या तो ये हमारे पास गिज गुज जाएगा या तो दौड़ जाएगा, दो ही काम हो सकते हैं। बहरहाल हमने तो खैर इसको अब आज़ाद कर दिया, पर दिखाओ ज़रा हमारी तरफ से, अब ये आज़ाद है मुकम्मल तौर पे। इसने जाना है, लगना है, उड़ना है, जो भी होना है इसकी मर्ज़ी है। ये दोस्तों हमारी स्टिक है, और खैर पहले नीचे लगाओ दोनों कंधों पे, भी रंग लगाना है इसके, ठीक है लगा दो। ये देखें दोस्तों, हम थोड़ा सा ही कलर हमेशा लगाते हैं ताकि निशानी रहे, कबूतर गंदा ना हो। मकसद यही होता है दोस्तों कि उड़ते हुए पता लग जाए कि यार ये हमारा ही परिंदा। तो थोड़ा सा रंग लगा दिया हमने वक्ती तौर पर, रंग वैसे थोड़ा है क्योंकि ना इसका रंग काला है। चलो कंधों पे फिलहाल लगा दो, फिर तेज़ कर लेंगे। हाथ पीछे रखो, काफ़ी लगाओ नीचे नीचे, हाँ इधर ही पीछे तक लगाओ, इतना पता नहीं लगना। इसका ना रंग असल में है काला। छोड़ दो भाई आराम से नीचे ले दोस्तों। पहला बच्चा खैर हमने छोड़ दिया, अब एक हमने बच्चा दोस्तों कुछ दिन पहले पकड़ा था जाल से सुबह के टाइम, मेरे ख्याल 4-5 दिन 6 दिन हो गए होंगे। ये बच्चा भी हमने खोल दिया हुआ, इसको कलर लगाते हैं। खैर मैंने फ्रेम में छोड़ा था क्योंकि बाहर से ना इसने पकड़ा नहीं जाना था, तो इसको भी रंग लगा के छोड़ दें। देखिए 5-6 दिन पहले हमने बच्चा पकड़ा और आज हमने छोड़ भी दिया। इतना लंबा नहीं रखते होते हम दोस्तों बच्चों को, जल्दी छोड़ दो, लगना है जिसने वो लग जाएगा, जिसने जाना है वो चला जाएगा। ऐसे ही 6-6 महीने बंद रखने का 3-3 महीने कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। चलें खैर से मैं लाता हूँ फिर शेयर करता हूँ वीडियो। लें दोस्तों ये बच्चा मैंने खैर पकड़ लिया, सियालकोटी बच्चा है। और शौक पहले करवाओ ज़रा इसका एक बार फिर से। इस तरह के लोग जो बच्चे बच्चे पकड़ लेते हैं ना, रख लेते हैं जी जोड़ों में डालेंगे, जोड़े बनाएंगे कबूतर का। और हमने हफ्ता भी नहीं मैक्सिमम इसको रखा और हमने इसको आज़ाद कर दिया कि जा भाई हवा की बुलंदियों में जा। है अलग बड़ा बच्चा दोस्तों, 8-8 गली का पार खोलो ज़रा इसका, दिखाओ वीडियो में दिखाना है, आपने तो देखा ही हुआ। ये देखें दोस्तों मुँह तो ऊपर कर, ये दोस्तों इसका दूसरी साइड का पार चेक करें। अभी हमने इतना ही पकड़ा था 8-8 गली का, नाहून छाहून चेक करें, आंख दिखाओ ज़रा एक बार फिर से रोक के रखो। ये दोस्तों इसकी आंख है, ये चेक करें क्लियर हो, चाह हो गई गुलाबी सी इसकी दोस्तों आंख है, यहाँ पे रोको हाँ से, ये देखें। और अच्छा बच्चा है, वैसे भी खूबसूरत बच्चा है जिसे कहते हैं ना। तो बच्चे को खैर हमने मैक्सिमम हफ्ता हुआ ना, ज़्यादा ज़्यादा मेरे ख्याल 5-6 दिन ही हुए हैं, तो हमने इसको आज़ाद कर दिया। लगे बड़ा बच्चा 8-8 कली का, दौड़ना तो दौड़ जाए यार, उड़ना है तो लग जाएगा,
कबूतर अब हमने पक्के करने के मूड में है। कंधों पे भी रंग लगाना है इसके भी, स्टिक पकड़ाओ मुझे। ये देखें दोस्तों कलर लग गया, अब ये सूखेगा ना तो ये ठीक हो जाएगा रंग। इसके ना नीचे तक यूँ लाया करो, ये जहाँ पे पार्क की साइड बन रही है ऊपर कंधे पे ना चढ़ो, नीचे आओ यहाँ पे, ठीक है। ये देखें दोस्तों इसको भी खैर कलर जो है हमारा लग चुका है, आराम से इसको नीचे करके छोड़ देना। ये देखें दोस्तों बच्चा कर दिया हमने आज़ाद। अच्छा वो बच्चा ये क्या पर इसको भी एक आधा दिन रुक जाओ, जो खुडे पे नहीं चढ़ा था यूँ फिर डर डर के उड़ेंगे। ये दोस्तों एक बच्चा हमने और पकड़ा था चीना सा, इसका एक बार खुल गया, खैर ये खुडे पे बैठ के उतर आता है, लेकिन अभी इसको मुकम्मल हमने नहीं खोला। एक ये बच्चा खोल दिया डब वाला, और दूसरा बच्चा ये खोल दिया हमने कलपरा। तो ये आपने देखा होगा बच्चा बिल्कुल मेरा ख्याल 5 से 6 दिन पहले ही पकड़ा, वीडियो आपको मिल जाएगी। सुबह के टाइम पकड़ा था जाल से बच्चा, हमने छोड़ भी दिया ला के, 8-8 कली का बच्चा बड़ा वो, खैर मेरा ख्याल 1-2 कली का बच्चा डब वाला। उसके अलावा दोस्तों एक नया बच्चा भी मैं लेके आया, वो पीछे जो कलपरा नहीं फिर रहा ये, तो अभी खैर इसको 1-2 दिन नहीं हुए हमारे पास आए हुए, तो इसको भी इंशाल्लाह खोलेंगे 4-5 दिन के बाद। उसके अलावा जो है बच्चे तकरीबन एक ये बच्चा रह गया, इसको खोलना, इसको कल खोल देंगे खैर। तो ये बच्चे दोस्तों खैर अब हमने खोल दिए हैं, छोड़ दिए हैं, अब इन्होंने लगना है लग जाएंगे, चाहना है तो चले जाएंगे। अब ट्रेनिंग इनकी दोस्तों हमने इस तरह से करनी है, आज हमने इन्हें खोल दिया, अब तो 1-2 दिन जो है ना अब हमने इनको बस फिरने देना, आज का दिन और कल का दिन है ना, जिस तरह ये ऊपर बैठेंगे उतर आएँगे, तो इस तरह ही 1-2 दिन ऊपर नीचे होते रहेंगे, उसके बाद हम इन्हें खुद उड़ाएंगे। अगर उड़ जाएंगे अपने आप, जिस तरह ये बच्चा उड़ गया था नीले रंग वाला, जिस दिन पहले दिन ही खोला था ना दोस्तों ये वाला कलपरा, तो जिन दोस्तों ने वीडियो देखी हुई है उन्हें याद होगा ये पहले दिन ही उड़ गया था, खैर घर बैठ गया था तो पहले दिन ही उड़ गया, तो फिर इनकी किस्मत है, वरना जो है ना फिर हम इनको छेड़ेंगे 2 दिन के बाद। तो आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे किस तरीके से बच्चे पक्के करने हैं, और अगर ये बच्चा गिज गया दोस्तों कलपरा देख लें आपके सामने, इसको रंग लगा के छोड़ा तो ये काफ़ी उड़ेगा बच्चा, थोड़ा उड़ने वाला बच्चा नहीं है ये, और ये डब वाला बच्चा भी, तो देखते हैं ये बच्चा भी छोड़ा हुआ, खैर ये अभी तक उड़ा नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह ताला भी नया मोड़ आएंगे बच्चों को, तो जब भी उड़ाएंगे ने आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो बना के, स्टेप बाय स्टेप बच्चा पक्का होता है कि नहीं होता, कितने बच्चे पक्के होते हैं, कितने चले जाते हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर करेंगे। और भी बड़े कबूतर भी निकालने हैं, उन्हें भी पक्का शिका करना है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो दोस्त चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में आ रखें, तब तक अल्लाह हाफिज़।